सफेद रोली के बारे में बताएंगे। यह बीज के साथ आती है कि जैसे ही फसल की बुवाई लेट सीजन में करते हैं तो ये बीमारी पौधे की प्रारंभिक अवस्था से शुरू होती है और पत्ती पर और साथ में फिर स्टैग हेड, जिसको हम तना कहते हैं, जहाँ फलियां बनती हैं, उस तक पहुंचती है। इसकी रोकथाम के लिए मुख्य बात है, सबसे पहले किसान अगेती बुवाई करें, जो कि 10 से 25 अक्टूबर के बीच में हो जानी चाहिए। साथ ही साथ मेटालिक जल एप्रोन 35HT से 6 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज के दर से उपचारित करें। अगर फसल पर रोग के लक्षण दिखाई देते हैं तो रेडोमिल MZ, जो कि मेटालिक जल और मैंगोजेब का मिश्रण होता है, 75 WP फफूदनाशक के 0.25% घोल का छिड़काव करें। दूसरा छिड़काव 30 दिन बाद करें। एक महत्वपूर्ण बात है कि अनुकूल जैव कारक होते हैं, जैसे कि 75% से अधिक मौसम में नमी, 5 से 12 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान व बदलीयुक्त या कोहरे का प्रभाव, जैसे कि 2 से 6 घंटे तक सूरज का दिखाई देना। इस तरह की दशाएं अगर 8 से 10 दिन लगातार रहती हैं तो यह रोग उग्र रूप धारण कर लेता है। दूसरा है तना गलन रोग। इसका मुख्य लक्षण है कि पौधे के निचले हिस्से पर जमीन से थोड़ा उठा हुआ भाग इस रोग से ग्रसित हो जाता है और यह रोग तने पर, टहनियों पर, पत्ती पर, फली पर भी देखा जा सकता है। इस रोग से बचाव के लिए हम बेनोमाइल या बावस्टीन 0.25% के हिसाब से छिड़काव कर सकते हैं कि जब फसल में 25 से 30% फूल आ जाएं, उस समय किसान भाई ये छिड़काव कर सकते हैं। तीसरा है अल्टरनेरिया ब्लाइट, पत्ती झुलसा रोग। इसके लक्षण पत्तियों पर छोटे छोटे धब्बे बन जाते हैं। ये धब्बे नीचे की पत्तियों से शुरुआत होते हैं और अनुकूल वातावरण मिलने पर ये धब्बे पूरे पौधे पर, तने पर, फलियों पर उत्पन्न हो जाते हैं। इस रोग को रोकने के लिए हम मैंगोजेब का 0.2% के हिसाब से छिड़काव करें।